आज नहीं जाने दिया और कल जाने नहीं पाएंगे, ये हुर्राएंगे, हुर्राएंगे, अभी हम ले चलते हैं, हम लोगों को उधर जाने नहीं देंगे। तो कम हुआ आज तक नहीं हुआ, इस मामले में हम अगर पाँव पीछे रख लेंगे तो ये जाने नहीं देंगे। ये तीन पुर्वे हैं, तीन तो तीनों पुर्वों को आपके सामने लिखा है, जिन्होंने विरोध किया था उन्हीं से फूल बरसाया। एक शब्द आप उनसे नहीं पूछ पाओगे कि आप आम रास्ते पे क्यों रोक रहे हो, मूर्ति मेन रोड पे क्यों रोक रहे हो, नियम गली चौराहे नहीं है, ये नियम है। मूर्ति रखी जाएगी कहाँ था ये, फिर भी आपने रखी, हमने बोला था, आपने नौ दिन पूजा करी, हमने कुछ नहीं बोला, आप नहीं बोला कि हमें जानते हैं कि कोई रोक न हो, ये नाते हम भी नहीं बोले, तो अवरोध कल हुआ तब बात हो जाएगी। अभी भी नई परंपरा आपकी और बात साहब विधायक जी ने दो बार बहुत कहा, हमने समझा और समझाया बहुत लोग, विधायक जी आपके सामने तमाम समझाया, आप क्या करें, एक विधायक जी नेता हम नेता नहीं, और आज आज आपका हाथ जोड़ता है, जनमत को हाथ जोड़ता है, आज का दिन आपका, बाकी 364 दिन हमें यही रहना, आपको यही रहना, वो भी आगे पीछे का भी सोच लिया था, बाकी हम बैठे हुए सारी मूर्तियाँ चली गई विसर्जन के लिए, आप नहीं विसर्जन कहा चाहते, हम ही बैठे विसर्जन नहीं, बात नहीं है, बिना विसर्जन के कहाँ काम था फिर। बनाव में जी एक मूर्ति की स्थापना की गई थी जिसकी कोई ना परमिशन ली गई थी, ना कोई सूचना थी, और ना ही उसका कोई विगत का इतिहास वहाँ रखने का था। जब पहली बार वो मूर्ति रखी गई तो वो जो मार्ग चाहते थे वो परंपरागत मार्ग नहीं था, और जिस मार्ग से वो लोग चाह रहे थे उधर दो तीन गाँव ऐसे पड़ते हैं जो मुस्लिम बहुल आबादी के लोग हैं, उनका उसमें आपत्ति थी, और इस प्रकार की समस्या है या इस प्रकार का विरोध है, ये जानकारी आज ही प्राप्त हुई। अगर ये जानकारी पहले प्राप्त हुई होती तो हम एक जनरल लोगों की मीटिंग बुला करके सबका सुझाव लेकर के एक बीच का रास्ता निकालते, जैसे हमने कटरा के समस्या का सोल्यूशन निकाला है और इतने अच्छे ढंग से कटरा में बड़गांव की मूर्ति का विसर्जन हो। अब वहाँ ये लोग अड़ गए कि नहीं साहब हम नए ही से लेके जाएंगे, पुराने से हम नहीं ले जाएंगे। उनको बताया गया कि आपकी पहली बार की स्थापना है, अगले बार हम इसकी व्यवस्था ठीक ढंग से कर देंगे, लेकिन लोग नहीं माने, तो किसी तरह राजी नहीं थे, तो बाद में कहा गया कि जो तो ट्रेडिशनल मार्ग है उसको ले जाए, और जब वो नहीं माने तो प्रशासन ने मूर्ति को अपने कब्जे में लिया और उसका विधि विधान के साथ विसर्जन की तैयारी करा। सर कितने लोग चोटिल हैं इसमें? चोटिल तो गुम चोट तो बहुत सारे लोगों को आई है, मतलब पटान साहब को आई है, मुझको आई है, हमारे अल्दली को, हमारे अंदाजियों को, हमारे फोर्स के जवान थे, खूब भयंकर ढंग से पत्थर चल रहा था, जबकि हमने पूर्णतः संयम का परिचय देते हुए, हमने मतलब हमारे पास बहुत फोर्स है, हम चाहते थे पीठ पीठ लोगों को ढेर कर देते, लेकिन ये मान के लीजिए कि बहुत ही पेशेंस का परिचय दिया हम लोगों ने, और लास्ट में मतलब महिलाओं की लोगों ने इतने ही पत्थर चलाए, मेरा एक हेलमेट गिरा और फिर वो एक पूरी टांग मेरे सिर में लगी,